दिन बीत गए, दिन बीत गया, रात आ गई, अभी तक ठाकुर जी से मिलन नहीं हुआ। रात बीत जाती होती होती रहती और फिर सवेरा होता, फिर यही दिन रात बीत गई और भगवान से मिलन नहीं हुआ। इसी में दिन रात बीतती जाती और आयु खत्म होती जाती है और भगवान से नहीं मिल पाते। ऐसी चिंता कोई साधक करे तो फिर महाराज जी कहते इसी चिंता में हमेशा मिलते। जब तक भगवान के दर्शन नहीं हो गए तब तक चैन नहीं, न दिन में चैन न रात में। वैसी स्थिति जिसकी हो उसको फिर भगवान जी। मोटे गणेश वाले महाराज जी अपने मुख से सुनाए जी जी, उनकी ऐसी ही न दिन में किसी से मिलते थे, रात्रि में अपना कहते थे कि 3 बजे के बाद उठते थे जी और सीधे यमुना जी चले जाते थे जी, स्नान करके वहां से चले आते थे, अंधेरे में आसन पर बैठ जाते थे माला जप करते रहते। अब जिसको भगवान से मिलने की इच्छा हो उसको कहाँ से कुछ अच्छा लगे। कितने बजे तक करते रहते हैं महाराज? अब ऐसी स्थिति जिसको महापुरुष की कृपा से मिल जाए जी, उसका जीवन पता नहीं कब कृपा करेंगे। अभी तक तो जैसे हम यही सोचते हैं जैसे हम आए थे वैसे ही अभी तक क्या श्री रामदास जी महाराज नागा जी जो गुरु जी को लिखा है संत बाणी जी, उसमें लिखा हुआ है मन तो थिर थिर नाचता तीर्थ गए का होय, रामदास नागा कह रही बात जिस वासना को लेकर के आए थे। जीवन के इतने वर्ष बीत गए लेकिन अभी तक वो वासना पूरी नहीं हुई, क्या है इसका मतलब? यही है कि जिस वासना